क्या हुआ बेटा, गिर कैसे गई तुम? आओ। पता नहीं माँ, मैं बस उठो। अनमोल के कमरे की तरफ जा रही थी और पैर शायद फंस गया। ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं चंदा माँ, बस थोड़ी सी, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। कोई बात नहीं, मैं अनमोल के कमरे में जा रही हूँ, बस आती हूँ। आराम से बेटा। अनमोल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कायनात आज कोई बचा नहीं सकता तुझे मुझसे, कोई भी नहीं। ये कोई साधारण तूफान नहीं है, कुदरत में जरूर कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत डरावना होने वाला है। बस ये तूफान मेरे घर के अंदर ना जाए, या मेरे घर का कोई इस तूफान में ना चला जाए। तू रोकेगा मुझे? तू मुझे चुनौती दे रहा है? तू मुझे अपने वश में करेगा? जानता है मैं कौन हूं? मैं वो हवा हूं जो नजर नहीं आती, मैं वो दुआ हूं जो दुश्मनों के लिए बददुआ बन जाती है, आसमान से बरसती कहर हूं जो जमीन को चीर के आती है। जानता है मैं कौन हूं? सर्वश्रेष्ठ नागिन, शेष नागिन, इतनी रात हो गई है, ये प्रार्थना फोन नहीं उठा रही है, इसका फोन भी नहीं लग रहा है, हो क्या रहा है? ये तूफान क्या संकेत दे रहा है? क्यों मेरे बरसों की शक को हवा दे रहा है? कहीं प्रार्थना प्रथा की बेटी तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वो शेषनागिन बन जाएगा। हर शेषनागिन का जन्म किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए होता है। प्रार्थना भी शेषनागिन बनी, ये भी एक दिन किसी बड़े मकसद को अंजाम देगी। ये बात प्रार्थना को कौन बताएगा? वक्त आने पे वक्त खुद बता देगा, ये कुदरत, ये ब्रह्मांड बता देगा।
मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद है मैं वो उन सपेरों से बच के भाग रही थी, तो शायद भागते भागते यहाँ आ गई और शायद भागते भागते गिर गई और बेहोश हो गई। ये सपेरे ये ऐसे बेहोश क्यों हो गए? ये सपेरे तो मुझे किडनैप करना चाह रहे थे। मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये क्या रात से दिन हो क्या? और मैं घर ही नहीं गई। पापा कितने टेंस्ड होंगे। मेरा चश्मा, ये परछाई किसकी है? कौन है वहां? प्रथा नानी, आप यहाँ? ये तो अनहोनी। अनहोनी अब होने वाली है और उस अनहोनी को रोकने के लिए ये होनी हुई है। क्या होने वाला नानी? तो ये मेरा सपना, पर नानी ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा भी क्या होने वाला है? प्रथा, कहाँ थी तू पूरी रात? में तेको मैं तुझे फोन कर रहा था, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। पापा वो नाग, नाग के पापा वो मेरा खड़ूस बॉस है ना, क्या बताऊँ आपको, नाग की तरह कुंडली मार के बैठा था और मुझे अचानक से एक नई असाइनमेंट दी थी। बोल दिया कि ये असाइनमेंट करके ही वापस घर जाना है और यही नहीं मुझे वार्निंग भी दे दी कि जब तक ये असाइनमेंट पूरी नहीं होती ना मैं अपने घर नहीं जा सकती। तो बस मैं असाइनमेंट पूरी करने चली गई और मेरे साथ साथ मेरे फोन की बैटरी भी नीचे चली गई तो फोन ऑफ ही हो गया। तेरी आवाज को क्या हुआ? तू दोबारा बोल कुछ, ये आवाज तेरी, तूने किधर बेस टाइमर नहीं किया? आवाज क्या हुआ मेरी आवाज को? ठीक तो है। चश्मा किधर है तेरा? तुम दिख रहा है तेरे को? हाँ एक्चुअली कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। मेरी आंखों में धूल चली गई थी ना, तो मैंने चश्मा निकाल दिया। साफ कर इसको। अब दिख रहा है? हाँ सब दिख रहा है। ओके पापा, आप मेरे लिए चाय बना देंगे, मुझे ऑफिस जाना है। ओके
ये कैसा चमत्कार हो रहा है मेरे साथ? ये कैसा करिश्मा है? मेरा अकलौना बंद हो गया? चश्मा जब नहीं पहनती हो तब दिखता है, जब पहनती हो तो नहीं दिखता। मुझे इसी फ्रेम में बिना नंबर का ग्लास लगा के चाहिए। क्या? बेटा तुम्हारा नंबर तो -6 है, फिर ये सादा चश्मा लेकर क्या करोगी? वो एक्चुअली मेरी दोस्त को एक फिल्म में रोल मिला जिसमें उसे चश्मा पहनना है। ऐसा बोलो ना बेटा, मुझे लगा तुम्हें चाहिए। रुको ये कुछ फ्रेम पे डिजाइन अच्छी आई है, देखो आप इसमें से क्या देखो। नहीं नहीं नहीं, वो उसे मेरे जैसा ही चश्मा चाहिए। रुको रुको, हाँ बेटा ये देखो। ये परफेक्ट है, ये दे दीजिए। ठीक है लाओ, ये लो ये आपका चश्मा। थैंक यू। वेलकम। नमन सुन, हम ना एक स्टोरी करने वाले हैं स्पेस पे, ठीक है? इसरो का आगे क्या प्लान होगा उसके ऊपर। पर इसरो क्यों? क्यों मतलब? तुझे पता, जब से नासा को पता लगा है कि हमारे इंडिया में और बेटर इक्विपमेंट्स हुए हैं और हमारे रॉकेट्स कहां कहां तक जाते हैं, और उस चक्कर में नासा हमारे से बेटर बनने के लिए हमारे साथ कम्पीट कर रहा है, और हमारा इसरो, हमारे इसरो के पास वो सब चीजें हैं जो हमें नासा से आगे लेके जा सकती हैं। सही कह रहा है वैसे तो। मैं नागिन हूँ। क्या? सीरियसली? उन सपेरों को लगता है कि मैं नागिन हूँ। क्या मजाक कर रही हो यार? आपको भी ये बात फनी लग रही है ना? आपको भी हंसी आ रही है ना? मुझे भी हंसी आ रही थी। या एक कॉफी प्लीज। ये ठंडी हो गई। हाँ एक गर्म चाहिए, फ्रेश, जल्दी। It was also crazy, sir. वो सपेरे मुझे किडनैप करना चाह रहे थे। तुम्हें किडनैप करना चाह रहे थे? फिर तो सच में पागल होंगे, I swear. तू फोन पे है? फोन रख, बाय। सर, आप मुझे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने कैसे भेज सकते हैं? एक लड़की को ऐसे लोगों के पास कैसे भेज सकते हैं? सर ये कॉफी पी लीजिए प्लीज, वरना ये 25वीं कॉफी होगी जो ठंडी हो गई। थैंक यू। तुम्हें पता है मैं अपने काम से कितना प्यार करता हूँ? ऑब्सेस्ड हूँ मैं अपने काम से। मैं जो आज इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं ये देख के करता हूँ कि कल वो इंसान कितना टफ होगा। नक्सल से 4 लोग थे जिनसे किसी ने बात नहीं करी, उनसे मैंने बात करी, मैंने उन्हें कन्विंस किया मेरे न्यूज़ चैनल में आने के लिए। वो अलग बात है कि बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो काम मैंने अपनी जान पे खेल के किया। तुम्हें सब कुछ नहीं करना, तुम्हारी चॉइस है, मत करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारी चॉइसेस की वजह से ना मैं अपने रूल्स अपने रेगुलेशंस नहीं बदलने वाला। मेरे लिए जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट मैन एंड वुमन। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अलग ट्रीट करूं जस्ट बिकॉज़ यू आर अ वुमन, देन यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन। मैं वो नहीं करूंगा। तुम यहाँ पे क्यों आई हो फिर? क्या करने आई हो यहाँ पे? जा सकती हो तुम, तुम्हें किसी ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जहाँ पे रिस्क ना हो, जो बिल्कुल सेफ हो और जहाँ पे टाइम लिमिट्स हो, क्योंकि तुम्हारी जगह यहाँ पे काम करने के लिए मेरे पास बहुत लोग हैं। फिर
ये जर्नलिज्म है। I'm sorry, sir. मैं आगे से अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, गलती कभी रिपीट नहीं करूंगी, अपना जॉब पूरी लॉयल्टी से निभाऊंगी। ये खड़ूस मुझे जॉब तो नहीं देने वाला। तुम्हारी जुबान साफ हो गई है। सरप्राइजिंग। पता नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है एक्चुअली। क्या होता है ना, जब गुस्से में होता है ना इंसान, तो जुबान साफ हो जाती है। I'm sorry, sir. ये देख क्या है। सीसी करंट हार्ट थ्रॉप, हर दिलों की धड़कन कार्तिक आर्यन। तुम्हें क्या करूं, स्मार्ट है, हैंडसम है और एकदम प्रिंस चार्मिंग जैसा। प्रिंस चार्मिंग हो या प्रिंस हार्मिंग हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओफो, ये स्रोत से 10 times बेटर लुकिंग और हॉट है, टकीला शॉट है। I'm still not interested, girls. वैसे रणबीर से भी बात करवा देते। लेकिन क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले ही रणबीर की शादी आलिया से हो गई। तो रणबीर तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। But we know, Sweetie, कि तेरा फर्स्ट क्रश तो वही था। तुम दोनों ना पागल हो गई हो, मेरी तरफ देखो, जस्ट लुक एट मी। रुद्र ने मेरे फेस पे मुझे मना किया है। गर्ल्स, कैसा लड़का है, मुझे मना किया है उसने। बचपन का दोस्त है मेरा, सबसे पुराना दोस्त, और वो अच्छे तरीके से जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फिर भी इतना हर्ट किया उसने मुझे। पर ये तो और भी अच्छी बात है। It's going to be so much fun. देख, रुद्र के रिजेक्ट करने के बाद ही तूने फ्लाई करने का डिसीजन लिया है, वो भी न्यूयॉर्क। चल हम भी चलते हैं। हाँ, एक बढ़िया सा ट्रिप प्लान करके आते हैं। ऋषभ, आप ये क्या कर रहे हैं, इतने पुराने गन साफ क्यों कर रहे हैं? उस कलपुर्जे का शूट आउट है। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि वो लड़का हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं है, पर तुम ही तोड़ दिया ना मेरी बेटी का दिल। जी तो करता है उसका एनकाउंटर। ऋषभ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ या ना बोलना, उन दोनों का उसे हक है, वो किसे पसंद करे उसे हम फोर्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसने अच्छा किया। अगर शादी के बाद वो अनमोल को कहता कि उससे प्यार नहीं करता, उससे अच्छा कि उसने पहले ही कह दिया कि उसे शादी ही नहीं करनी। अरे क्या हो गया, तुम्हारे तो पैर में बहुत दर्द था ना? हाँ। लेकिन मेरी बेटी का दिल टूटा है, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। हाँ ऋषभ, इधर आइए। ऋषभ, ये सीढ़ियां है ना, आप इन्हें तोड़ दो। क्यों? क्योंकि सीढ़ी की वजह से मेरे पैर पर चोट लगी है। जैसे आपको लगता है कि रुद्र की वजह से हमारी बेटी का दिल टूटा है, आप उसे तोड़ना फोड़ना चाहते हैं, तो मुझे पैर पर चोट लगी है, तो आपको इन सीढ़ियों को भी तोड़ देना चाहिए ना। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे रुद्र से अच्छा कोई लड़का नहीं मिलेगा? तू ना ये बोल के उस रुद्र को तुझसे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। आप एक काम से प्यार करता है ना, वो बुढ़ा होने तक कुंवारे ही रह जाएगा। और अनमोल, जो लड़का तुझे ना बोलेगा ना, वो लड़का दुनिया का सबसे बड़ा लूजर होगा। लूजर। गाइस शट अप। बट तूने अपने डैड को ये डिसीजन बताया है? अनमोल, ये सब क्या है, तू पैकिंग कर रही है, कहीं जा रही है क्या? या मॉम, मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। दैट साउंड्स लाइक सच अ प्लान, साउंड्स लाइक एग्जैक्टली अ फैमिली वेकेशन टू मी। इनफैक्ट अनमोल, मैं तो कहता हूँ कि हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। हम सब अपने काम से छुट्टी ले लेंगे और मेरा एक बहुत पुराना दोस्त वहाँ पर रहता है, तो हम उसके घर पर रह सकते हैं, और जब हम पूरा अमेरिका घूम लेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, और उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ सब चलते हैं, पर आज शाम को हमें उस चैरिटी इवेंट पर जाना है, एक हाथ एक साथ फाउंडेशन का। No ways, mom. वो ब्राइडल कलेक्शन शो है ना। डैड,
यार रुद्र मुझसे शादी करने के लिए मना कर चुका और मॉग मुझे दुल्हन बनाना चाहती है। बेटा ये एक चैरिटी इवेंट है और मैंने कमिटमेंट दिया है कि हम आएंगे। इस इवेंट से जो भी पैसे इकट्ठा होंगे वो एनजीओ में जाएंगे और वो एनजीओ मेरे दिल के बहुत करीब है। बट व्हाई? क्योंकि वो एनजीओ बिछड़े माँ बाप को अपने बच्चों से वापस मिलाता है। मॉम मैं बिछड़ी हूँ लेकिन अपने प्यार से, बचपन से नहीं, और मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। प्रताप उसको नहीं जाना तो छोड़ो ना, रहने दो ना, यूँ जिद ना करो। आई नो अनमोल, तुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना, लेकिन वो इवेंट कवर करने के लिए रुद्र भी वहाँ आने वाला है। मॉम मैं चलूंगी आपके साथ और वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm coming with you. अनमोल बेबी वेट। अनमोल, अनमोल। इसे एकदम से क्या हो गया? अभी तो मना कर रही थी। ये कोई तरीका हुआ न्यूज़ ब्रेक करने का? ऋषभ प्लीज, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। इस लड़की को कुछ नहीं कह सकता, उस लड़की को कुछ नहीं कह सकता, ठीक है खुद ही को गालियां देता हूं मैं। ऋषभ यू आर स्टूपिड, यू आर क्रेजी, यू आर मेंटल, यू आर साइको, नाउ यू आर हैप्पी। ऋषभ आप एडिट कर रहे हैं क्या? जी ये कल सफर वाली फुटेज के एडिट हो रहे हैं। ये बीन वाला भी ना एडिट पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या हो गया? तुम ठीक तो? Yes sir, I'm fine. ठीक हो तो चलो फिर, इवेंट कवर करने जा रहे हैं हम। मैं बस अभी आई। चल नमन। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी मैं वहां बेहोश, ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? आज तक हमने अपने देश की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन जो हम आज करने वाले हैं वो अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है। एक हाथ एक साथ फाउंडेशन बहुत ही नेक काम करता है और आज हम जिस चैरिटेबल इवेंट पे जा रहे हैं वो उन्हीं का ही है। कोई ब्राइडल वेयर कलेक्शन है और मुझे खबर मिली है कि आज वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे आ रहे हैं उस इवेंट की इनॉग्रेशन के लिए। गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम पूरा इवेंट कवर करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। हमारे देश के टॉप लोग मर रहे हैं और ऐसे मर रहे हैं कि बिल्कुल नेचुरल लगे, लेकिन क्लियरली कोई ना कोई इनको मार रहा है। और आज हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस कातिल तक पहुंचने की। आखिर वो कातिल है कौन? तो ध्यान से सुनो गाइस, इस इवेंट की कवरेज बहुत बड़ी होनी चाहिए, हर जगह पे कैमरा होना चाहिए, समझे? यू गेट इट? चलो गाड़ी में बैठ जाओ, कम ऑन।
सर। प्रार्थना कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, कब से फोन नहीं उठा रही तुम? सर मैं अभी आई बस। जल्दी आओ। 5 मिस कॉल्स। आ गई तुम। हद होती है प्रार्थना, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इतनी देर क्यों लगा रही हो? सॉरी सर। हर बात का जवाब सॉरी होता है क्या? गाड़ी में बैठो जल्दी। अब बैठो, अब क्या तुम्हें इनविटेशन दूं क्या? सर आप लोग चलिए, मैं ऑटो से आती। हमें ऑलरेडी ऑटो मोड पे फ्रीज करके रखा है तुमने, जल्दी बैठो अब। मैंने आपको बताया था ना, मेरे ऑफिस में एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने, और वो वही लड़की है जिसने आपके साथ मिलकर उस लड़की की जान बचाई थी जो आग में फंस गई थी। यू नो आप लोग बिल्कुल सेम लगते हो। प्रार्थना, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? शुभ मुहूर्त पर आए हैं हम यहाँ सुहासिनी, देखो तो सही दो बहनें कैसे गले लग रहे हैं। इन मिलने वालियों को तो पता भी नहीं है ये दोनों बहनें हैं। इन दोनों को ये भी नहीं पता कि इनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। अब I'm sorry, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और मैंने ऐसे ही तुम्हें हक कर लिया। बट यू नो वॉट, तुम ना डिट्टो मेरी मॉम की जैसी हो। रुद्र सही बोल रहा था। मेरी पी कार्तिक आर्यन का कॉल आ रहा है। मरा ही जा रहा है तुझसे बात करने के लिए। हाँ तो मरने दो, आई मीन बुलाने दो उसको। एक्चुअली क्या है ना, मुझे न्यूयॉर्क की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली, मैं बॉम्बे होके जा रही हूँ, तो उसके साथ एक कॉफी पी लेती हूँ, यू नो कॉफी विद कार्तिक आर्यन, एंड उसके बाद न्यूयॉर्क चली जाऊंगी। व्हाट से अनमोल, न्यूयॉर्क जा रही हो? हाँ न्यूयॉर्क जा रही हूँ मैं। पर वो तो तुम्हारे प्लान में था ही नहीं। बहुत कुछ मेरे प्लान में नहीं था रुद्र, पर देन आई थॉट कि मुझे ना अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, शादी वादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ। कल रात जो भी हुआ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रिलैक्स, कल रात जो कुछ भी हुआ उससे मुझे ना कोई इफेक्ट और ना कोई साइड इफेक्ट हुआ। इन फैक्ट आई एम हैप्पी, सी मैं आज यहाँ पे भी आई जस्ट फॉर फन, यू नो। मैं बचपन से जानता हूँ, मैं अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी तो तुम मुझे बता सकती हो। यू नो मैंने शादी के लिए इसलिए मना किया क्योंकि रुद्रा, क्योंकि कम ऑन यार, मिनिस्टर साहब पहुँचने वाले हैं। चल बाद में बात करता हूँ।
एक्चुअली मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मैं इस शो की शो स्टॉपर हूँ ना, सो आई एम ऑल्सो बिजी. यू टेक योर टाइम, इट्स ओके. चलो गर्ल्स. किसको पता किसको खबर आज यहाँ क्या क्या होने वाला है. मिसेस सिंह वेलकम. प्लीज. ध्यान से सुनो, नमन तू भी सुन ले. बिल्कुल अलर्ट रहना, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिटेल. ओके समझे? ये एनजीओ बरसों से समाज की सेवा कर रहा है. वक्त बदला, इन्होंने भी अपनी सोच बदली. बदलती दुनिया के साथ में ये अपने साथ एक फेस्टिव कलेक्शन लेके आए हैं. एक ने प्रेजेंट किया है एक ब्रांड का एक फेस्टिव कलेक्शन. इस फंक्शन का पूरा अमाउंट एक चैरिटी को जाएगा, एक हाथ एक साथ फाउंडेशन को. नमन मेरी सीट का है. वोरी मिनिस्टर साहब के एकदम साथ में. देख नमन, मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ, हर एक जगह पे कैमरा होना चाहिए. हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और फिर होगा हमारे देश का सबसे बड़ा खुलासा कि आखिर ये अटैक्स के पीछे है कौन, कौन कब कैसे कहाँ क्या हो रहा है. क्योंकि वो लोग यही कर रहे हैं, ऐसे इवेंट्स पे अटैक कर रहे हैं ताकि बिल्कुल नेचुरल रहे. ओके गाइस, या प्लीज बी अलर्ट. ओके आंटी. प्रथा कैसी है तू? ठीक हूँ, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई. मुझे भी. प्रथा तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, अब भी वैसी की वैसी हो. आंटी मैं भी इसको यही बात बोलता हूँ, इसकी एज तो बढ़ रही है लेकिन बाल एक भी सफेद नहीं हो. और कभी होगा भी नहीं क्योंकि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो. तुम्हारी खूबसूरती तो कभी कम नहीं होगी पर तुम्हारी जिंदगी की खुशियां जरूर कम कर देंगे हम. इनफैक्ट खत्म कर देंगे. प्रॉमिस. आई प्रॉमिस यू प्रथा.